हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको कश्मीरी दम आलू बनाने की रेसिपी बताऊंगी। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने लिए हैं 12 छोटे आलू और इन्हें मैंने एक विसल आने तक बॉईल किया है नमक और हल्दी डालकर, और इसकी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलकर इसे मैंने छील लिया है। दम आलू बनाने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे एक तेज़पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 10 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 साबुत लाल मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप दही बीट की हुई, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हींग, नमक स्वादानुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ऑयल। सबसे पहले हम सारे आलू को टूथपिक से या फोक से प्रिक करेंगे। अब ये सारे आलू मैंने प्रिक कर लिए हैं। प्रिक इसलिए किया है ताकि सारे मसालों का टेस्ट इसके अंदर तक चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और इसे सबको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला आलूओं पर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए मसाला कोट हो गया है। अब ये आलू शैलो फ्राई करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये सारे आलू डाल देंगे और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। इन्हें हम धीमी आंच पर शैलो फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब ये देखिए आलू शैलो फ्राई हो चुके हैं। इन्हें अब हम अलग से रख देंगे और हम दूसरा पैन गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें हम मसाला तैयार करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये अपने सारे खड़े मसाले डालकर भूनेंगे। ये देखिए मसाले फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 8 काजू। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, खरबूजे की गिरियां भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने इसमें काजू डाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो थोड़ा सा भुनेंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज कटा हुआ और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। ये देखिए प्याज फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर और इसे हम थोड़ा सा और भुनेंगे। अब ये हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसमें से तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा निकाल के इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब इस मसाले को मिक्सी में पीस कर ये हमने पेस्ट बना ली है। अब इस पैन को हम दोबारा से गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और उसमें हम डालेंगे ऑयल गर्म होने पर थोड़ी सी हींग, देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर
सूखा धनिया, थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपना भुना हुआ मसाले का पेस्ट जो हमने अभी मिक्सी में तैयार किया है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए मसाला भून चुका है, इसमें से ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम बीट की हुई दही डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि दही फटे नहीं। ये देखिए मसाला तैयार हो गया है, अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे पानी। ये मैंने एक ग्लास पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी थिक चाहते हैं उस हिसाब से ही पानी ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें तैयार किए हुए आलू ऐड करेंगे, ये जो हमने शैलो फ्राई किए थे। सारे आलू हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे हाथ से ऐसे मसल कर डालेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारे दम आलू बनकर तैयार हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स करके सर्व करने के लिए एक बाउल में डालेंगे। अब ये दम आलू सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।